दोस्तों, क्या इंडिया रशिया के साथ क्लोज रिलेशनशिप और नॉन अलाइनमेंट को छोड़कर नेटो का मेंबर बन सकता है? देखिए, रिसेंटली यूएस नेटो की इम्पोर्टेंट ऑफिशियल ने कहा कि इंडिया के लिए नेटो के डोर्स ओपन हैं। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि 2018 में कतर ने भी नेटो ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त करी थी, लेकिन उस समय नेटो ने क्लैरिफाई किया था कि सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज नेटो की मेंबर्स बन सकती हैं। लेकिन आज रशिया के साथ साथ चाइना नेटो के लिए एक बड़ा चैलेंज है, और इसीलिए नेटो इंडो पैसिफिक कंट्रीज जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, साउथ कोरिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है। तो दोस्तों, अगर फ्यूचर में इंडिया और नेटो के जियोपॉलिटिकल गोल्स कन्वर्ज होते हैं तो जरूर इंडिया नेटो का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है, बट मेंबर नहीं। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपका क्या ख्याल है? क्या हमें नेटो का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहिए या फिर हमें अपनी रिलेशनशिप को रशिया के साथ और बेहतर करना चाहिए?